विजयदशमी के मौके पर महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। एक तरफ जहां शिवसेना के शिंदे गुट की रैली थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट का शक्ति प्रदर्शन। दोनों की रैलियों में अच्छा खासा जनसैलाब देखने को मिला। दोनों दलों के नेता पूरे जोश के साथ हुंकार भरते नजर आए। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट के कार्यक्रम की ये तस्वीर देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क दादर में ये आयोजन किया गया। हजारों की भीड़ को शिवसेना के नेताओं ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम को लेकर शिवसेना यूबीटी के समर्थकों और वहां मौजूद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। उद्धव ठाकरे के साथ साथ दूसरे नेताओं का जोश भी हाई नजर आया और नेताओं ने जमकर हुंकार भरी। एक तरफ जहां शिवसेना उद्धव गुट की रैली थी, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई के आजाद मैदान में शिवसेना के शिंदे गुट का कार्यक्रम था। सीएम शिंदे के इस कार्यक्रम में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। शिंदे गुट के नेताओं ने भी विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये दोनों तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी रैली में ज्यादा भीड़ जुटी। दोनों शक्ति प्रदर्शनों में से किसका ज्यादा भव्य और विशाल रहा। शिवसेना में हुए अलगाव के बाद अब सभी ये सवाल कर रहे हैं कि किसकी तरफ ज्यादा जन समर्थन है। दोनों गुट अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके साथ है ये देखना अहम होगा। हालिया सर्वे की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हुए ताजा सर्वे की बात करें तो इंडिया टीवी CNX के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी अब की बार 22 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा शिंदे वाली शिवसेना 4 सीटें जीत सकती है। अजीत पवार वाली NCP 2 सीट जीत सकती है। वहीं सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस का 9 सीटें जीतने का अनुमान है, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले 8 ज्यादा है। इसका मतलब महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा फायदा होने वाला है। इसके अलावा शरद पवार वाली NCP 3 सीटें जीत सकती है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर 32% रहने का अनुमान है। शिंदे वाली शिवसेना का वोट शेयर 10%, अजीत पवार वाली NCP का वोट शेयर 5% रह सकता है। इसके अलावा कांग्रेस का वोट शेयर 15%, शरद पवार वाली NCP का वोट शेयर 12% और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का वोट शेयर 15% रहने का अनुमान है। इसके अलावा बीते जुलाई में विधानसभा चुनाव को लेकर हुए सर्वे की बात करें तो जी न्यूज मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के गठबंधन को 46% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, NCP और शिवसेना उद्धव गुट को 35% वोट मिल सकते हैं, जबकि MNS को 3% वोट और अन्य को 16% वोट मिलने का अनुमान है। सीटों की बात करें तो ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 165 से 185 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को 88 से 108 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल में MNS को 2 से 5 सीट और अन्य को 12 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक अकेले बीजेपी को 121 से 131 सीट मिल सकती है। एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट को 44 से 54 सीटें मिल सकती है। वहीं महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 8 से 18 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 39 से 49 सीट और NCP को 41 से 51 सीट मिल सकती है। MNS को 2 से 5 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, जबकि अन्य को 12 से 22 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे के हिसाब से भी कांग्रेस पहले के मुकाबले फायदे में नजर आ रही है। इसके अलावा 2019 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो 288 सीटों की विधानसभा में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें जीती थी। 56 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर शिवसेना रही। NCP को 54 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 44 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी ने 48 में से 23 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना ने 18, NCP ने 4 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर 27.8% रहा था, जबकि शिवसेना का 23.5% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं NCP का वोट शेयर 15.7% और कांग्रेस का 16.4% रहा।
इन सभी आंकड़ों पर गौर किया जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। उसके बाद शिवसेना, यूपीटी, एनसीपी और कांग्रेस का नंबर है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन शिवसेना से एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सत्ता पलट गई। शिंदे और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली थी। इसके बाद महाराष्ट्र में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। एनसीपी में बड़ी टूट सामने आई। अजीत पवार अपने कई विधायकों के साथ शिंदे सरकार में जा मिले। महाराष्ट्र में अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों होने हैं। देखना होगा अब की बार जनता किसको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।